बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल कमर कसकर तैयार हैं। इस बार के चुनाव में तमाम दलों की नज़र प्रदेश के युवा वोटर्स पर है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप युवाओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन CPI की टिकट पर बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार पूरी तरह खामोश हैं। ना तो उनकी कोई आवाज़ ही आ रही है और ना ही वे कहीं दिख ही रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कन्हैया ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी तय करेगी वो जरूर करूंगा। इस बार पार्टी ने तय किया है कि मैं दूसरे लोगों को चुनाव लड़वाऊं। कन्हैया का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक कन्हैया भले ही पार्टी का हवाला दें, लेकिन उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और BJP के सामने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष की हालत जग जाहिर है। सूत्रों की माने तो वैसे भी तेजस्वी कन्हैया की लोकप्रियता को लेकर असहज रहते हैं। इन्हीं वजहों से कन्हैया विधानसभा चुनाव में नहीं उतर रहे, ताकि परिणाम के बाद हार के बहाने के तौर पर उन्हें निशाना ना बनाया जाए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 6 लेफ्ट दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। CPI और CPM अपना खाता नहीं खोल पाई थी, जबकि CPI को 3 सीटें मिली थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार RJD कांग्रेस गठबंधन में लेफ्ट दलों को करीब 20 सीटें मिल सकती हैं। साफ है कि चुनाव नहीं लड़ने की कन्हैया की बात हैरान करने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले कन्हैया ने CAA और NRC के खिलाफ प्रदेश भर में कई सभाएं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।